इंडियन स्टॉक मार्केट का एक पॉपुलर शेयर रेडिंगटन इंडिया के बारे में बात करेंगे, जो कि एक इम्पोर्टर है और डिस्ट्रीब्यूटर है काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड का। इनके पास 235 से ज़्यादा ब्रांड्स है वर्ल्ड वर्ल्ड फेमस, जैसे कि एप्पल का फ़ोन हो गया, सैमसंग हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन ये कंपनी करती है। और ये आप जानते हैं कि ये जो आईटी प्रोडक्ट्स और बाकी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका सभी का ये इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। रेडिंगटन इंडिया का आज का जो रेट था वो था 127 रुपीज़ एंड 52 वीक हाई था 180 रुपीज़। काफ़ी गिर चुका है ये शेयर एक्चुअली, और इसका पी है ओनली 7 का, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। ईपीएस है 17 का, जो कि काफ़ी अच्छा है लुकिंग एट द रेट ऑफ 127 रुपीज़। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.14, तो डेट पे कंपनी पे काफ़ी कम है। इस शेयर का इंट्रेंसिक वैल्यू है 225 रुपीज़, हमें मिल रहा है अभी 127 में। ग्राहम नंबर है 170 रुपीज़, हमें मिल रहा है 127 में। तो दोनों के हिसाब से काफ़ी अच्छी रेट में अभी ये शेयर मिल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग इसमें जीरो है, टोटली प्रोफेशनल मैनेज कंपनी है, बट FII का होल्डिंग है 40% और DII का होल्डिंग है 17%, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। बात करेंगे क्वार्टर रिजल्ट की, तो मार्च 2021 में प्रॉफिट था 303 करोड़, डिसम्बर 2021 में प्रॉफिट था 388 करोड़ एंड मार्च 2022 में प्रॉफिट आया है 356 करोड़। तो प्रॉफिट भी अच्छा है, सिर्फ मार्केट के गिरावट में शेयर गिरा हुआ है। 120 के आसपास मिल जाए, 120-115 के आसपास, तो आपने थोड़े थोड़े शेयर्स बाय करके चलना चाहिए और होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट चलेगा तो ये शेयर आपको 180 से 200 के लेवल दिखा सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी रेट में अभी मिल रहा है। तो रेडिंगटन इंडिया के बारे में स्टडी करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।